सुबह जब आंख खुली और मोबाइल देखा तो बेहद दुखद समाचार दिखाई दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी हीराबा नहीं रहे, और ब्रेकफास्ट करते करते ही टीवी में देखा कि उनकी माँ का वो अपनी माँ को अंतिम प्रणाम कर रहे हैं, और कुछ ही देर के बाद उनके सभी अंतिम संस्कार भी हो गए। दोस्तों, हम सब हीराबा को नमन करते हैं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज का शो दरअसल शो नहीं है, एमबी स्पीच से मंच से हम हीराबा को याद करते हैं, और यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं यूनिवर्सिटी से काफी लंबे समय तक जुड़े हुए प्रोफेसर एस के कॉक साहब। नमस्कार सर, आपको मेरे साथ जुड़ चुके हैं पुष्पेंद्र जी। पुष्पेंद्र जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और स्वागत करती हूँ मैं आपका। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अनिल गुप्ता जी। काफी अरसे से हम इनके जो करंट टॉपिक होते हैं उस पे इनके विचार हम जानते हैं। तो आज जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि सुबह आप सब लोगों ने भी ऐसा ही फील किया होगा, जब आपने मोबाइल देखा होगा तो आपको वहां खबर दिखी होगी। और हम सब प्रधानमंत्री जी के माता जी को नमन करते हैं एक बार फिर से, और उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। दरअसल हम लोगों ने अपनी मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी सादगी से किसी का अंतिम संस्कार होते हुए नहीं देखा, वो भी कोई देश के प्रधानमंत्री हों। और सब कुछ इतने जल्दी से होता है कि जितने भी वीआईपीज हम देखते हैं ऐसे मौकों पे कोई नहीं दिखाई देता, बहुत लिमिटेड 2 या 3 लोग थे। आप भीड़ में भी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा लोग हमको वहां दिखाई नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज का शो शो नहीं है, हम हीराबा को याद करते हैं। मेरे साथ पुष्पेंद्र जी हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चूंकि लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं, ऐसे मौकों पे आपको मैंने खुद उपस्थित होते देखा है। हीराबा केवल एक माँ नहीं थी, और हर माँ जो होती है वो माँ के अलावा हमारा शरीर भी गढ़ती है, हमारा मन, हमारा जो पर्सनैलिटी होती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है। अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए अपने आप को एक तरह से खपा देती है, खुद को भुला देती है। ऐसा मतलब मैंने जितना हीराबा को जाना, उनका जीवन इतनी सारी खूबियों को समेटे हुए था। आपने देखा कितनी सादगी से उनका अंतिम संस्कार हुआ, क्या कहते हैं आप पुष्पेंद्र जी? अपना माइक खोलिए। महिलाओं का ये कार्यक्रम था, उसमें मैं भी गया। जी संकोच जी करता हूँ महिलाओं के कार्यक्रम में जाने से, पर चला गया था। जी तो उन्होंने कहा कि कोई एक शब्द आपको बोलना है, जी तो मैंने बोला वो एक शब्द जिसमें पूरी दुनिया आ जाती है और उससे जी खूबसूरत कोई शब्द नहीं है, वो है माँ। वो है जी अकेला शब्द माँ। प्रोफेसर काक साहब भी बैठे हैं, अनिल गुप्ता जी भी बैठे हैं, पूरा जीवन अच्छे कड़वे मीठे अनुभवों से इनका आमना सामना हुआ है, मैंने भी देखा है। और जिस तरह से ये सादगी की प्रतिमूर्ति थी इनकी माता जी, वो उसी सादगी से सब कुछ हुआ। और उसके बाद जी एक कर्मयोगी की तरह जुट जाना, ये भी शायद उन्हें उनकी माँ ने ही सिखाया होगा। पर फिर जी भी जी जी ऐसे मौके पर मुनव्वर राणा, जो कई बातों के लिए अपना चर्चित रहते हैं शायर, पर उन्होंने माँ के लिए जी बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी हैं। तो मैं चाहता हूँ ऐसे मौके पे उन लाइनों को मैं आपके दर्शकों के साथ साझा करूँ। जी चार पंक्तियाँ पढ़ूँगा। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में फंस जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। दो लाइनें और हैं। चलती जी फिरती आंखों से अजा देखी है, चलती फिरती आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। तो माँ के लिए ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे विचार हैं। और माँ से जब हम पैदा होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता
कि वो हमें डांट रही है, दुलार रही है या कुछ सिखा रही है जी, और जो संस्कार मिलते हैं वहां से वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं वो प्रदर्शित होते रहते हैं। आप पिताजी डांटते हैं तब भी माँ की गोद याद आती है, जी, किसी दिक्कत में आते हैं तब भी माँ की याद आती है, सुबह ऑफिस से आओ घर जाओ खाना खाने में कुछ दिक्कत होने लगे, कुछ होने लगे, परिवार का कोई कोई सदस्य समझे या ना समझे, माँ समझ जाती थी और पूछती पुत्र की गल है क्या है। मतलब आप माँ से कुछ छुपा नहीं सकते, माँ से आप कुछ छुपा नहीं सकते, आप बताएं या ना बताएं उसे आपकी सारी स्थिति पता चल जाती है जी, और आपकी बुराइयां भी पता, आपकी बुराइयां भी पता चल जाती हैं, और उन बुराइयों को वो पिताजी से छुपाने की भी कोशिश करती हैं। जब वो बातें कर रहे होते हैं तो जैसे पिताजी ने कहा कि भाई वो पुष्पेंद्र आज ये करके आया है, नहीं नहीं मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता। मतलब उसे तो बेटे में अच्छाई अच्छाई दिखाई देती है, खराबी दिखाई नहीं देती। जी जी अब जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का उनके प्रति आचरण था, व्यवहार था, इतने बड़े पद पे जिसमें समय नहीं मिलता, और वो अपने परिवार से, वो कहते भी है अपने अक्षय वाले इंटरव्यू में कि भाई मेरे लिए तो देश ही परिवार है तो मैं उतना नहीं करता, और उन्होंने इनके लिए कोई मेडिकल सुविधाएं या इनके लिए आवास की कोई सुविधा नहीं करी थी, छोटे भाई के साथ उनके पंकज के साथ रहती थी, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता था नरेंद्र मोदी को वहां जाते थे। तो ये भारतीय संस्कृति का और माँ के साथ रिश्ते का, पुत्र का एक अनुपम उदाहरण है, अद्भुत उदाहरण है। और माँ की सीख जो उन्होंने सिखाई होंगी उसको जीवन में ढालने का भी एक अनुपम उदाहरण है कि आप संस्कार करके आ रहे हैं तो कई लोग तो इसी बहाने से ऑफिस से छुट्टियां लेते हैं, जाते नहीं है, और सब भी कहते हैं भाई ठीक है अब घर में ऐसा हादसा हुआ है तो मत आओ, ठीक है देखेंगे, और ये दूसरा प्रधानमंत्री हमारा ऐसा है, थोड़ी देर बाद वो अपने निर्धारित कार्यक्रम से हटता ही नहीं, दिखता नहीं, उनके चेहरे पे भावुकता झलक रही है, वो चेहरे पे परेशान है, लेकिन पूरे जोशो खरोश से जो उनका कार्यक्रम था पश्चिम बंगाल का वो उन्होंने पूरा किया, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन का था और निलिप्त भाव से, क्योंकि उनको लगता है कि शायद माँ ने यही सिखाया होगा कि कर्ज से बड़ा, माँ के कर्ज से बड़ा फर्ज है, तो वो फर्ज उन्होंने अदा किया और तुरंत वो अपने कार्यक्रम में शामिल हुए जैसे रूटीन में जाते हैं। हालांकि उनकी आवाज में थोड़ा सा अंतर था, लरस थी एक जिसे हम कहते हैं, जो हमेशा वो बड़े बुलंद और से बोलते हैं, तो वो दर्शाता है कि उनका माँ के प्रति कितना प्रेम था, पर देश के कामों को पीछे नहीं छोड़ना, तो इसलिए वो शायद वहां गए। और जिस तरह से वो बताया गया है, जिस पर भी जितना भरोसा किया जाए, कि उन्होंने भाई आसपास के बर्तन मांझ के और वो कपास के वो छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करके अगर तीनों भाइयों को पाला है सबको, तो ये तो मतलब एक अनुपम उदाहरण है, अद्भुत उदाहरण है, और इसलिए मैं उन्हें नमन भी करता हूँ और श्रद्धांजलि भी देता हूँ, साथ ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने शीर चरणों में स्थान दे और दुखी परिवार को ये दुख सहन करने की असीम दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। हालांकि प्रधानमंत्री बहुत मजबूत हैं, चरित्र से भी, मन से भी, भावुक भी हैं, लेकिन वो सब बातों का ध्यान रखते हैं, तो मुझे लगता है उन्हें कर्तव्य पथ से कोई ये छोटी चीजें भी डिगा नहीं पाएंगी। जी जी, शुक्रिया पुष्पेंद्र जी। मेरा अगला सवाल है कॉक साहब से। अभी मैं देख रही थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस समय प्रोग्राम चल रहा था उन्होंने कहा कि आप इस समय हमारे साथ हैं, आपके मन में न जाने कितना बड़ा दुख है, तकलीफ है, फिर भी आप इस समय हमारे साथ हैं और इस प्रोग्राम को आप कर रहे हैं। और वाकई में उन्होंने आज उनका जो डिसाइडेड प्रोग्राम था, जैसे उनका दिन का शेड्यूल था उन्होंने उसको वैसे ही रखा, और शायद से यही वजह होगी कि सुबह मतलब ज्यादा आडंबर ना करते हुए उन्होंने सब चीजों को बहुत जल्दी किया। 9:15 तक मैं सुन रही थी कि वो अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे और उन्होंने सबको वहां नमस्कार करके वो वहां से जा चुके थे। काक साहब आप क्या कहते हैं इस सादगी के बारे में? सबसे पहले तो हीराबा को नमन, उनको हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और वो इतनी सौभाग्यशाली थी कि उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जी, जो कि 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं और पूरे विश्व में उनका यशगान हो रहा है। जी जी, इससे ज्यादा सुंदर चीज
एक माँ को तोहफे में क्या मिल सकती है जी। उन्होंने एक ऐसे कर्मठ, एक ऐसे विचारक, एक ऐसे प्रगतिशील व्यक्ति को जन्म दिया और हर समय उनका मार्गदर्शन किया। मैं ये कहता हूँ इसलिए क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री का जो ट्वीट है अपनी माँ के प्रति उनके स्वर्गवास होने के बाद, उसमें उन्होंने जो अंतिम लाइन लिखी है कि कर्म करो बुद्धि से और आप रहो पूरा काम करो बुद्धि से, जियो शुद्धि से, ये उनकी आखिरी सीख थी, आखिरी उनकी जो सीख थी उनके लिए। जी जी। और उसमें एक बहुत ही मतलब इसमें काफी कुछ ज्ञान है, काफी कुछ मेरे ख्याल में काफी कुछ इसमें उनके अपनी पर्सनालिटी और जिस तरीके से उन्होंने अपने परिवार को बांधा, जिस तरीके से परिवार को पाला विकट समस्याओं के बावजूद, उनकी आत्मशक्ति भी उससे झलकती है और जी। वो आत्मशक्ति जो है, वो कर्म प्रवृत्ति जो है, वो फिर प्रधानमंत्री जी ने भी दिखाई, क्योंकि उन्होंने अपना कोई कार्यक्रम रद्द नहीं किया, उन्होंने कोई कार्यक्रम छोड़ा नहीं जी। अपने जिस तरीके से उनका कार्यक्रम था वो उस तरीके से उन्होंने निभाने की कोशिश की। अपना पर्सनल पेन, अपना पर्सनल कष्ट, अपना पर्सनल दुख से उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन को प्रभावित होने नहीं दिया। शायद ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है उनकी तरफ से अपनी माँ को कि मैं आपका पुत्र हूँ और आपने जो मेरे को सिखाया है उसको मैं अपने देशवासियों के सामने बांट रहा हूँ और उनके साथ उसको ये कर रहा हूँ। तो वो उनकी एक अलग तरीके की श्रद्धांजलि थी। और तीसरी बात मेरे को जो ये मेरे को पुष्पेंद्र जी की वो बड़ी अच्छी बात लगी जी। मैं कहा तो उनके हिसाब से, राणा के हिसाब से, मगर एक ये गाना भी है, उसको तो नहीं देखा हमने मगर माँ से बढ़कर क्या होगा। तो वही बात है, मेरे ख्याल में हर एक के जीवन में माँ को सबसे पहला शिक्षक, सबसे पहला ये बताया जाता है जी। और जी, सबसे पहली दोस्त, सबसे पहली शिक्षिका माँ ही होती है। बिल्कुल। और वो सिर्फ अपने दूध से नहीं सींचती है अपने बच्चों को, बल्कि वो अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपने बातों से, अपने जो भी उनका दिनचर्या रहती है उससे उनको प्रेरणा देती है कि उनको आगे जीवन में क्या करना है। जी जी। प्रधानमंत्री को भी प्रणाम करते हुए और उनकी सेवा भाव को नमन करते हुए मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हीराबा जहाँ भी रहें वो प्रभु के श्री चरणों में रहें और हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, माँ की क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती, माँ को कभी बुलाया नहीं जा सकता। और एक ऐसे आदमी जिन्होंने हमेशा उनके प्रति जो अपना प्यार है, अपना स्नेह है, अपना ये दिखाया है, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि वो जितना भी उनको दुख होगा अपना पर्सनल, मगर वो बिना थके, बिना रुके, बिना किसी इसके आगे देश को नेतृत्व देते रहेंगे और अपना कर्म करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ उनको नमन। बहुत अच्छी बात कही आपने काक साहब, शुक्रिया आपका। हमारे साथ प्रशांत कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं, अब आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी। और अनिल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर हैं और करंट मुद्दों पे उनकी राय हमेशा मुझे बहुत पसंद आती है। अनिल जी आप अपना माइक खोल दीजिए। खुल गया। अनिल जी आपने आज सब कुछ देखा, बस सीधा सा सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ मैं कि
आपने क्या अपनी जिंदगी में ऐसा कभी इतनी सादगी से ऐसा सब कुछ होते हुए देखा? नहीं, कभी नहीं। और कम से कम एक ऐसे व्यक्ति का जो लगभग 150 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहा है, उसकी माँ जो पूरे भारत की माँ थी इस टाइम, तो उनके अंतिम संस्कार के बारे में, छोटे छोटे नेताओं की परिवार में कुछ हो जाता है तो दुनिया भर के लोग वहाँ पर जुड़ जाते हैं, जमघट जुड़ जाता है, पूरा ऐसा होता है कि जैसे कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। जी जी, अभी हमने इवेंट हो जाता है, है? लेकिन ये मैंने तो सवेरे अखबार जैसे ही खोला तो अखबार में लिखा कि मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक हीराबेन के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। और थोड़ी देर बाद मैंने फेसबुक पे किसी को की श्रद्धांजलि पढ़ी उनके लिए, तो मैं एकदम से हैरान रह गया। मैंने तुरंत टीवी खोला और टीवी पर जैसे ही मैंने देखा तो प्रधानमंत्री अपनी माँ को कंधा देकर ला रहे थे बाहर, और तब फिर समाचार का पता चला। तो इतना अचानक से हुआ सब। हम भी कल तक ये सोच रहे थे कि अभी तो हीराबा को अपना मतलब जन्म शताब्दी पूरी करनी है 18 जून को, लेकिन लगभग 1800 वर्ष से 6 महीना पहले ही ईश्वर ने उनको हमारे बीच में से अपने पास बुला लिया है। और प्रधानमंत्री जी का उनके प्रति कितना अगाध श्रद्धा लगा होता, मुझे याद है 2015 में जब वो अमेरिका के अंदर फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग के साथ में उनकी माँ से मिल रहे थे, उस टाइम उन्होंने अपनी माँ का जिक्र करते हुए बहुत भावुक हो गए प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि मेरी माँ पड़ोस के घरों में जाकर बर्तन साफ करती थी, काम करती थी, और मेहनत कर करके उन्होंने बड़ी मेहनत से हम लोगों को पाला है। तो वो कहते कहते उनकी आंखें भर आई थी, उन्होंने बहुत अच्छा अपनी माँ के बारे में सब बताया। तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी वो अपने इस प्यार को दर्शाने में कभी कोताही नहीं बरतते थे। और दो दिन पहले जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, अचानक एकदम गए उनके पास, थोड़ी देर रहे, फिर वापस आ गए, क्योंकि वो तो कर्तव्य पथिक है, उसको रुकना नहीं है, उसको कहीं पर भी विश्राम लेने का फुर्सत ही नहीं है। और आज भी रात 3:30 बजे उनका स्वर्गवास हुआ, फौरन से वह पहुंचे और 8 बजे तक सारा काम वहां पर जो है उन्होंने करा दिया। तो इससे ही पता चलता है कि वो बिल्कुल आडंबरों से सबसे दूर रहकर अपने निजी दुख को केवल अपने तक सीमित रखते हुए, बाकी सब नेताओं को भी उन्होंने मना कर दिया कि किसी को गांधीनगर या अहमदाबाद आने की आवश्यकता नहीं है, सब अपने अपने राज्यों में जो आपके निर्धारित आज के कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को करो। वो सबको कर्तव्य बोध कराना, ये प्रधानमंत्री जैसे भी त्यागी के लिए ही संभव है। और वो अपने आप को निष्प्रह भाव से जिस तरह से सब कामों में लगे रहते हैं वो वास्तव में दुर्लभ है। और इसीलिए ऐसा लगता है कि देश के अंदर दो योगी हैं, एक नरेंद्र मोदी और दूसरे योगी आदित्यनाथ। कुछ समय कोरोना के कार्य दौर में उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ और वो अपनी कोरोना की मीटिंग ले रहे थे, और मीटिंग के अंदर उन्होंने किसी को कहा नहीं कि भाई मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, और मीटिंग लेते रहे और पिताजी के अंतिम संस्कार में भी नहीं गए, क्योंकि उनके सामने उस समय प्रदेश के अंदर कोरोना को नियंत्रण करने की बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको उन्होंने पूरी सफलता से निभाया। आज देशों तक लोग आ रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना का जो कंट्रोल किया उस समय सबक लेना चाहिए। तो भाई मतलब वो प्रसंग से अटके था, लेकिन उनका भी उस टाइम बहुत बड़ा वो है। और सारे तमाम नेताओं को उन्होंने मना कर दिया कि दिल्ली में सब अपने अपने काम देखो, किसी को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अंत्येष्टि का कार्यक्रम जल्दी से समेट कर उसके फौरन बाद राजभवन चले गए, वहाँ से उन्होंने ऑनलाइन जो नमामि गंगे की बैठक प्रस्ताव पहले से निर्धारित थी कलकत्ता में, जी जी, चाहते तो उसे पोस्टपोन भी कर सकते थे या किसी और को भी वहाँ पर डेप्यूट कर सकते थे जाने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने अपना काम करना ज़्यादा उचित समझा। और उसको इतनी ज़्यादा उन्होंने उससे किया है कि उसके लिए तो प्रशंसा किए बिना कोई भी शायद नहीं रह नहीं पाएगा, प्रधानमंत्री जी ने जो किया। और जहाँ तक हीराबा का सवाल है, हीराबा ने वास्तव में बड़ा कर्मठ जीवन जिया। किस तरह से एक अच्छा भरा पूरा परिवार था, उस परिवार को उन्होंने अपनी मेहनत से, पिता की आय भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, स्टेशन के ऊपर एक चाय का उन्होंने खोका लगा रखा था, उसकी चाय से इतना नहीं परिवार पल पाता था। तो मेहनत करना, लोगों के घरों में काम करना, उसके अलावा चरखा चलाकर सूत काटकर
और उससे भी अपनी इनकम को बढ़ाने की पूरी कोशिश करती थी। इतना मेहनत और इतना कष्टों का जीवन बिताने के बाद में ही एक तरह से कहते ना उसको सोने को आग में जला कर उन्होंने तपाया है, और उस तप में से जो है नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को ढाला है उन्होंने और उनको देश को समर्पित किया है। कभी उनको इस बात का पश्चाताप नहीं रहा कि भाई ठीक है नरेंद्र मोदी ने अपना घर परिवार कुछ नहीं किया, जो सब कुछ देश के लिए समर्पित कर दिया। और सबसे ज़्यादा मोदी जी ने कहा भी है कि भाई सबसे ज़्यादा लाड़ उनका मेरे ऊपर था, जो 18 जून 2022 को जब हीराबा का 100वां जन्मदिन था। हाँ, उन्होंने एक ब्लॉग लिखा था, ब्लॉग में उन्होंने काफी बड़ा ब्लॉग लिखा, उस ब्लॉग के अंदर उन्होंने अपनी पूरी भावनाएं सारी की सारी उंडेल कर रख दी हैं। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को उसको पढ़ना चाहिए ताकि ये महसूस हो कि भाई माँ क्या होती है और माँ का समर्पण क्या है और माँ के प्रति लगाव क्या है। आज पूरा देश में हर आदमी गमजदा है और उनके शोक में डूबा हुआ है। ऐसे में हम सबकी भावनाएं यही हैं कि हीराबा को प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनका आशीर्वाद अपने परिवार के लिए तो है ही और पूरे देश के लिए ऊपर बैठकर भी वो सबको आशीर्वाद दे देना है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी श्रद्धांजलि उनको देता हूँ भाई। और नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं अपना जितना भी मेरे मन में प्रशंसा हो सकती है वो मैं कहूँगा कि उन्होंने असीम धैर्य का परिचय दिया है और उस असीम धैर्य का सब लोगों को दर्शन हुआ है और लोगों को उससे कुछ सबक लेना चाहिए। थैंक यू अनिल जी। मैं प्रशांत जी से बात करती हूँ। प्रशांत जी, आपने भी अब तक बहुत कुछ चीज़ें सुन ली होंगी। अभी आप हमारे वक्ताओं को भी आप सुन रहे हैं कि उन्होंने अपना डे प्लान बिल्कुल चेंज नहीं किया, जबकि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सदमा उनके सामने था और सब चीज़ों को उन्होंने सारे अडंबरों से दूर रख करके बहुत सादगी से सारे अंतिम संस्कार किए और उसके बाद वो अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगला प्रोग्राम उन्होंने किया। आप क्या सोचते हैं, मतलब क्या कहते हैं? पहले तो मैं इस दुख की घड़ी में अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके पूरे परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। और उनकी माता जी का देहांत, वास्तव में किसी भी व्यक्ति के लिए माँ का जाना, माँ का देहांत होना, मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ी क्षति होती है, क्योंकि माँ की पूर्ति या किसी व्यक्ति की पूर्ति जाता है तो पूर्ति नहीं होती किसी भी तरह से। और ऐसा मेरा मानना है कि, और हमेशा एक बात मैं मानता हूँ कि माँ से ही संतान का अस्तित्व होता है, माँ के संस्कार, उनकी संस्कृति के द्वारा ही व्यक्ति का जो भी जीवन प्राप्त करता है, तो माँ के द्वारा जो संस्कार मिलते हैं, संस्कृति मिलती है, उसके आधार पर ही वह आगे बढ़ता है, जीवन में प्राप्त करता है। और जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, उसके पश्चात उनकी माता जी के बारे में लोगों ने ज्यादा जाना, ऐसा मुझे लगता है। उससे पहले तो शायद ही अदा कदा कोई खबरें कोई सार्वजनिक होती होंगी उनकी माता जी के बारे में। तो प्रधानमंत्री अपने बनने के बाद मोदी जी ने अपनी माता जी के बारे में बताया, उसके आधार पर लोगों को ज्यादातर पता चला कि किस तरह से उनकी माता जी का जीवन रहा है, किस तरह संघर्ष वाला जीवन रहा है। और मैं एक चीज और कहता हूं कि शीर्ष स्तर पर जो भी व्यक्ति बैठता है, जब मोदी जी बैठे हैं वर्तमान में, तो उन्होंने अपने माता जी के साथ जो उनकी बातचीत थी उसका उन्होंने सार्वजनिक किया, और साथ ही जो उनकी तस्वीरें आती थी जब भी माता जी से मिलने जाते थे, जो उनका आपस में आत्मीयता का उन चित्रों के माध्यम से पता चलता था कि माँ और पुत्र के मध्य कैसा आत्मीयता वाला रिश्ता आज भी है इतनी उम्र के बावजूद भी, तो उससे मैं कहूँ समाज में बड़ा संदेश जाता है। समाज में आज अगर हम समाज को देखें, आज हम अपने देश की अगर समाज की बात करें, तो हम देख रहे हैं दिन पर दिन वृद्धाश्रम के बनते जा रहे हैं, ज्यादा उनकी संख्या बढ़ गई है। और जब बुजुर्ग माता पिता हो जाते हैं तो अधिकतर परिवारों में उनकी जो स्थिति है कहीं ना कहीं वह सम्मान की नज़र से उन्हें नहीं देखा जाता, और वह ज्यादातर परिवार आज बड़े जो बुजुर्ग हैं वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। तो ऐसे में शीर्ष स्तर का नेतृत्व जो कर रहा है देश का, अगर वो व्यक्ति अपनी माता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है, तो मैं समझता हूँ उसका सकारात्मक संदेश समाज में जाना चाहिए। और आज के समाज में जरूरत भी है कि अपने माता पिता के प्रति बच्चों का जो कृतज्ञता है वह पूरी बनी रहे, उनके प्रति उनका सम्मान बना रहे। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को तो वास्तव में मैं उन्हें प्रणाम भी करता हूँ उस चीज के लिए कि इन्होंने लगातार इस उम्र के बावजूद भी, इनकी माता जी भी लगभग 100 साल की रहीं,
अपनी माता के प्रति उन्होंने बड़ा प्यार स्नेह हमेशा दिखाया है। और साथ ही मैं इसमें एक बात और जोड़ता हूँ, शीर्ष स्तर पर हमारे राजनीतिक दल हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के हो गए सत्ता पक्ष में, और विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी आते हैं। तो दोनों जो व्यक्तित्व हैं, दोनों व्यक्ति हमेशा लगातार अपनी माँ के प्रति अपना स्नेह और दुलार हमेशा दिखाते रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी का जो संदेश है माँ के प्रति, उनका जो प्यार दुलार दिखाई देता है, वह समाज के लिए बड़ा आदर्श स्थिति है। और हमारे समाज के समाज को जरूर देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि किस तरह से अपनी माँ के प्रति कितना सम्मान, कितनी आत्मीयता इन लोगों ने दर्शाई और उसे व्यक्त भी की है। तो अगर ये लोग धारण कर लें अपने जीवन में, उनके जो समर्थक हैं, उन्हें जो फॉलो करने वाले लोग हैं समाज में, क्योंकि पूरे भारत के परिदृश्य में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी को मानने वाले और राहुल गांधी को मानने वाले बड़े एक संख्या में लोग हैं, अगर वो उसे आत्मसात कर लेते हैं उस विचार को, उस दर्शन को, तो मैं समझता हूँ समाज में बुजुर्गों के प्रति जो हीन भावना लोग परिवार में बढ़ती जा रही है, वह उसमें बदलाव आ सकता है और बुजुर्गों का सम्मान परिवार के अंदर बना रह सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो माता जी को, जो प्रधानमंत्री माता जी हैं, उनके प्रति मैं शोक व्यक्त करता हूँ और पूरे परिवार के प्रति मैं संवेदना है। शुक्रिया प्रसाद जी। पुष्पेंद्र जी आप माइक खोल लीजिए। आज नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माँ के जाने के बाद ये कहा कि उन्होंने मुझे आखिरी जो सीख दी, जिसका भी जिक्र किया था काक साहब ने, कि काम करो बुद्धि से, जियो शुद्धि से। मैं समझती हूँ कि आज जिस बात पे हम बात कर रहे हैं, शायद ये सब उनकी माँ की सीख थी। पुष्पेंद्र जी क्या कहते हैं आप, क्योंकि उनकी माँ हमेशा उनको गीता, भगवत गीता देती थी और ऊपर में कुछ रुपए रख करके देती थी आशीर्वाद के तौर पे, और आखिरी उनकी सीख भी वैसी थी कर्म को लेकर के। आप क्या कहते हैं? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से कहा जाता रहा सादा जीवन उच्च विचार जी, और उसमें हर एक फैमिली की ना स्थिति, हर एक बच्चे की अलग अलग होती है जी। कुछ ऐसे होते हैं जो चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं, तो उनके जीवन शैली में और एक ऐसे जो धरती से उठ के या अभावों में ज़िंदगी जीते हैं, तो या तो वो बहुत पीछे रह जाते हैं या वो बहुत आगे जाते हैं जी। आगे वो ही जाएगा जो माता पिता के संघर्ष को देखेगा, उनके बलिदानों को याद रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी के बहुत से आलोचक हो सकते हैं कि जब वो फोटो खींच रही थी और वो पैर धो रहे थे, उसको इवेंट भी बताया गया, लेकिन मेरा मानना यही है कि वो जो पेपरेजी है यूरोप की और पश्चिमी देशों की, वो हमारे यहाँ ना आए तो ही ठीक है। और इसका जिस तरह से प्रदर्शन उस समय कुछ लोगों ने किया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि निजी तौर पे आप जब पत्रकारिता करते हैं तो हम भी एक बात ये याद रखते थे और कहते थे कि हमें किसी पे निजी प्रहार नहीं करना है। वहाँ सिस्टम क्या है किसी भी संस्था में, मान लिया काक साहब कुलपति हैं, तो मैं काक साहब पे निजी तौर पे, चाहे वो कुछ भी हो, मेरे दोस्त हो या मेरे ना हो दोस्त, इससे मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे देखना चाहिए कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में क्या सुधार किया, सिस्टम को ठीक किया या नहीं किया, और सिस्टम में अगर कोई कमियाँ हैं और वो मेरे मित्र भी हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सिस्टम की कमियों को उजागर करके उन्हें बताऊँ। तो जो पेपरेजी हुई वो मतलब निजी तौर पर मुझे अच्छी नहीं लगी, कि अगर वो माता जी के पास जा रहे हैं, प्रधानमंत्री है तो फोटोग्राफर तो जाएगा भाई, है ना, और अगर वो फोटो छप गई उसकी आलोचना हुई तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बल्कि देखो, प्रशांत ने राहुल जी के लिए भी बताया कि कैसे उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, अनिल जी ने योगी जी का याद दिलाया, तो ये वो उदाहरण है जो हमारे समाज में माने जाते रहे हैं, हमेशा से माने जाते रहे हैं। और माता पिता का सम्मान करना, ये भी कड़वी सच्चाई है कि आज वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है, पर उसमें वो है ना कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, जो कोई बेवफा नहीं होता। आप भाई बच्चों को या तो आप टेक्निकल एजुकेशन देके बेंगलोर या विदेश भेज दो, है ना, तो पैसे आएंगे। एक तरफ तो हम कहते हैं कि भाई हम राज कर रहे हैं पूरी दुनिया में आईटी सेक्टर में, तो जब आप राज करते हैं और कुछ हासिल करते हैं तो कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तो ये कुर्बानियां शायद उन माँ बाप को देनी पड़ रही हैं जो वृद्धाश्रम में इस वजह से रह रहे हैं। और जरूरी नहीं कि वो धनाभाव में नहीं है,
लेकिन हाँ जो हमारी संवेदनाएं हैं कि भाई कठिन समय में बच्चों को साथ होना चाहिए, वो इस भागती दौड़ती दुनिया में और प्रतिस्पर्धा की दुनिया में उतना संभव नहीं रहा है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना व्यस्त रहते हुए, इतने शीर्ष पद पर बैठे हुए, जितना भी समय अपनी माँ के लिए दिया, तो ये जरूर उनकी माँ की सीख रही होगी, या इसीलिए उनको इतना लगाव रहा। और कैसा जीवन उन्होंने जिया है ये आप और हम सभी लोग जानते हैं। ऐसे में वो उभर कर आए हैं तो देश की जो सही पहचान है हमारी संस्कृति की, हमारे आचरण की, हमारे व्यवहार की, उसको बिल्कुल उन्होंने मतलब दर्शाया है, एक एग्जाम्पल बनकर उभरे हैं। तो जैसे अनिल जी तो बोलते हुए अभी भावुक हो रहे थे जब वो मोदी जी के बोल रहे थे, तो भावनाएं सभी की ऐसी हैं, भले ही कोई उनका आलोचक हो, पर इस विषय पर उनकी आलोचना करने का अवसर किसी के पास नहीं है। तुरंत आडंबर रहित संस्कार करके अपने काम पर लौट आना, ये एक मतलब जो कहना चाहिए वीतरागी शब्द यूज किया अनिल जी ने, चलिए वो शायद ज्यादा हो जाए सन्यासी कहें, पर हाँ कर्तव्य पथ पर वो कर्तव्य पथिक हैं और उस पर डटे रहे। और उन्होंने सारे अपने पीड़ा को मन में रखते हुए है ना और किया, और ममता जैसी महिला भी विवश हो गई और उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी पीड़ा अपने मन में समेटे हुए हमारे साथ आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, ये उन्होंने कहा। तो ये क्यों, अरे हर आदमी विवश हो जाएगा भाई, आपका चरित्र देख के, आपका आचरण देख के, अरे कोई विवश हो जाएगा, आपके दुश्मन भी आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। और यही मोदी जी को एक अलग अलग पात का व्यक्तित्व बनाता है और अलग एक नेता बनाता है। और ऐसी भावनाएं दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती हैं, तभी विश्व में यशगान हो रहा है और उनको जो है सब जगह बुलाया जा रहा है, उनकी बातों को वजन दिया जा रहा है। तो ये हमारे देश का मान भी इससे बढ़ रहा है। और आज क्योंकि नमन करने के लिए हम एकत्र हुए हैं और श्रद्धांजलि के लिए, तो कोई विवाद की स्थिति आनी भी नहीं चाहिए। अंतिम बार फिर एक बार पुनः उन्हें प्रणाम करता हूँ और मोदी जी को, उनके परिवार को भगवान ये दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। नमन, ओम शांति। थैंक यू पुष्पेंद्र जी। काक साहब, एक सवाल आपसे बनता है मेरा। ईरा बहन के 6 बच्चे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उन्हें खास लगाव था, भले ही वो दूर रहते थे लेकिन कभी मतलब अक्सर जो खास मौके होते थे उस पे नरेंद्र मोदी जी उनके पास पहुंच जाते थे और मोदी जी ईरा बहन को अपना गुरु मानते थे। तो जब गुरु की बात आती है तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो उनकी एक बॉन्डिंग थी, रहते दूर दूर थे लेकिन उनकी बॉन्डिंग थी, लास्ट जब उनका अंतिम समय आता है तब भी वो उनके पास ही थे, ये इस पे आप क्या कहते हैं काक साहब? जैसे उन्होंने, मोदी जी ने खुद ही लिखा है कि मैं त्रिमूर्ति को देखता था जी। बहुत बहुत बड़ी बात है ये लिखना। मतलब आप सोचिए कि जिस समय आदमी को ये पता चले कि उनकी माता जी का देहांत हुआ है जी, उस समय जी। वो एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में वो लिखते हैं कि मैंने अपनी माँ में त्रिमूर्ति को देखा है। और इसको उन्होंने अपने आचरण में भी उतारा, उसको उन्होंने सिर्फ शब्दों में नहीं कहा, उसको उन्होंने अपने आचरण में उतारा। आचरण में कैसे उतारा मैं ये बताना चाहूंगा जी, कि ऐसी बात नहीं है कि वहां पे उनके भाई बहन बाकी लोग भी थे, परिवार के ये थे, मगर ये अपना कार्यक्रम लेके पहुंचे और पहुंचने के बाद जो भी संस्कार के हिसाब से काम करना था वो अंतिम यात्रा की काम किया और उनको कंधा देते हुए अपने इस पे गंतव्य पे ले गए और अंतिम यात्रा में उनका साथ रहे, उनके उसी एम्बुलेंस में रहे इसमें। और उस समय आप सोचिए कि उस आदमी के दिमाग में, उस आदमी के मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा जब वो उस गाड़ी में बैठ के उनके साथ वो अंतिम यात्रा कर रहा होगा जी, जी। और उस अंतिम यात्रा करने के बाद, उनको मुखाग्नि देने के बाद वो उनकी परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करके हाथ जोड़ते हैं और वहां से चल देते हैं गवर्नर हाउस की तरफ ताकि वो अपना आगे का कार्यक्रम करें। जी जी। एक तपस्वी का जीवन जो उनकी माँ ने जिया और एक तपस्वी का जीवन जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जी रहे हैं, ये एक अद्भुत
दृश्य था, मैं ये कहूंगा कि ये एक अद्भुत सीख थी, ये एक अद्भुत उदाहरण था। आज नहीं, आज से कई साल आगे भी लोग इस चीज को सोचेंगे, समझेंगे, इसके बारे में कई विश्लेषण होंगे। और मैं ये जानता हूं कि जो जैसे आपने प्रश्न किया कि आप इसके बारे में जितना हम कहें, देखिए जो आदमी अपनी माँ के लिए इतना समर्पित था कि कहीं पर भी, आपने कहा कि वो कितने भी दूर रहे मगर एक दूसरे से जुड़ाव था, वो जुड़ाव जो था वो उनके परवरिश का था, वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड, माँ से जब बच्चा पैदा होता है तो वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड उसके साथ, उसकी माँ के साथ कनेक्टेड थी। और मैं इससे और आगे कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि चाहे उनकी माँ अब उनके साथ शरीर रूपी इसमें ना हो, मगर उनके मस्तिष्क में, उनके विचारों में, उनके कर्म में, उनके जीवन में वो तब तक बनी रहेंगी जब तक नरेंद्र मोदी जी जीवित है। फिर से नमन करते हुए, नमन करते हुए और उनकी जी, आपने पुष्पेंद्र जी की भी बात सुनी, काक साहब की भी बात सुनी, उन्होंने इस मौके पे जो गैर बीजेपी के लोग थे और जब बीजेपी के लोग थे, सभी को उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि किसी को भी आने की जरूरत नहीं है, वो ना आए, अपने अपने काम पे लगे रहें। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? मैं इसे देखता हूँ इस ढंग से कि जो हीरा बान है उनको गीता के सारे सबक उनको गुट्टी की तरह पिला के उनके अंदर से डाल दिए हैं। सुख दुख समा कृतवा लाभ लाभ जय जय जी, वो सुख दुख सारी स्थितियाँ मनुष्य के लिए एक समान है। और आज मेरा ये है इसके कारण से बाकी लोग अपना सब रूटीन छोड़ के आए तो उस औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। और वास्तव में सब लोग केवल औपचारिकता के ही नहीं जाते हैं, एटलीस्ट तो जिसका जाना है उसके परिवार को उसकी कमी महसूस होती है या उसको उसका दर्द का पता होता है। तो उन्होंने सब लोगों को जो कहा उन्होंने बिल्कुल एक स्थिर प्रज्ञता का अपना जो है परिचय दिया है कि जो हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, और ऐसे में सब लोग अपने अपने काम ना छोड़ें, अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहें। और इसी कर्तव्य पथ पर आप, जैसे आपने बताया कि भाई अपने पूरे शेड्यूल को उन्होंने आज पूरा लगे रहे हैं और कोई काम रद्द नहीं किया, और सारे मंत्रियों को भी उन्होंने यही कहा कि सब अपना अपना काम करें, मुख्यमंत्रियों को भी उन्होंने यही कहा कि भाई किसी को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, सब अपने अपने क्षेत्रों में अपना अपना काम देखें। तो ये एक अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना, ये इतनी स्थिर प्रज्ञता बहुत दुर्लभ मिलती है, और ये दुर्लभ गुण उनके अंदर अपनी माँ के द्वारा दिए हुए संस्कारों से ही आया है, और उसी संस्कार का आज उन्होंने प्रत्यक्ष उदाहरण भी एक पेश किया है। जबकि बहुत हम अपने शहरों के अंदर ही देखते हैं कि कहीं किसी के परिवार में कुछ हो गया तो पता चलता है कि 13वीं को भी एक तरह से एक 13वीं का त्योहार के रूप में मनाने की कोशिश होती है जी, एक इवेंट सा बना देते हैं। अभी बहुत सारे बना देते हैं, पता चलता है कि इसके अंदर फिल्म स्टारों को भी बुलाया जा रहा है, उनके साथ में अखबारों में भी दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है उन्होंने उन सबसे अपने आप को बहुत दूर रखा है। और मैं सोच रहा था आज एक सन्यासी अपनी माँ के लिए कैसा रखता है, तो मुझे आदि शंकराचार्य जी का याद आ रहा था कि जब वो सन्यास लेने के लिए अपनी माँ के पास पहुँचे और उनसे कहा कि माँ मैं सन्यास ले रहा हूँ, तो माँ ने कहा कि एक ही शर्त पर सन्यास दूंगी कि जब मैं मरूंगी मेरा संस्कार तू ही करेगा। वो सन्यासी संस्कार नहीं करेगा, सन्यासी दुनियादारी से दूर रहेगा। इस भावना को लेकर बाकी समाज के लोगों ने आदि शंकराचार्य जी का बहिष्कार कर दिया, तो उन्होंने अपना जो घर था उनका, उस घर की दीवारों को गिरा के, लकड़ी का घर था, उस लकड़ी से के अंदर ही अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। आज भी जो केरल के नंबूतरी ब्राह्मण हैं उनके अंदर वही परंपरा बनी हुई है कि वो उसी तरह से उसका संस्कार करते हैं,
तो ऐसा आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई माँ मेरे लिए सर्वोपरि है, संन्यास धर्म अपनी जगह पर है लेकिन माँ का धर्म जो है, माँ के प्रति जो मेरा फर्ज है, उस फर्ज को मैं नहीं छोड़ सकता। तो ये आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया है और मैं समझता हूँ कि उन वो सब तो इस सब के लिए, जब हम सब के वंदनीय हैं ही और उससे और लोगों को भी बहुत सबक लेना चाहिए कि भाई संस्कारों को संस्कार के रूप में रखो, उसको दिखावे का जरिया मत बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः माँ हीराबा को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे परिवार को शक्ति दे और प्रधानमंत्री जी हमारे देश को वास्तव में दुनिया का सिरमौर बनाने की दिशा में जो काम कर रहे हैं उसमें वो सफल हों, इस काम में भी माँ हीराबा का आशीर्वाद उनको लगातार मिलता रहेगा और शायद वो ऊपर से भी कुछ उनको मार्गदर्शन करती रहेंगी, ऐसा पूरा विश्वास है। थैंक यू अनिल जी। प्रशांत जी एक सवाल आपसे है, जो हीरा बहन के बिल्कुल डायरेक्ट टच में थे ज्यादातर वही लोग इस मौके पे, मतलब वो भी बहुत लिमिटेड से लोग थे जो वहां पर पहुंचते हैं, जैसा कि मैंने अभी अनिल जी से भी ये सवाल किया था कि उन्होंने जो पॉलिटिकल लोग जिसे कहते हैं, जो चाहे गैर बीजेपी के हों चाहे वो बीजेपी के हों, सभी को उन्होंने मना कर दिया और बहुत लिमिटेड से लोगों के साथ बहुत सादगी से आज के सारे अंतिम संस्कार के कार्यक्रम हुए और सिर्फ और सिर्फ वहाँ जो लोग देखे गए वो हीराबा से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट थे, वही लोग वहाँ रहे। कैसे देखते हैं आप इसे? जी नहीं, वास्तव में ये प्रसंग जो होते हैं जैसे हमेशा याद करके जाने वाले प्रसंग तो रह जाते हैं। जैसे सभी वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने संदेश दिया, ऐसा मैं मानता हूँ एक संदेश है समाज के लिए, क्योंकि आज वो जिस पद पे हैं, देश के सर्वोच्च पद पे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद सर्वोच्च पद होता है, और अगर सभी राजनेता या महत्वपूर्ण व्यक्ति इस क्रिया में शामिल होते, अंतिम संस्कार में शामिल होते, तो व्यवस्था बनाने में भी समय लगता है और एक बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, कोई छोटा मोटा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही सूक्ष्म व्यवस्था हो वहाँ पे, क्योंकि जिस पद पे है प्रधानमंत्री जी हैं तो उसके अनुरूप ही वहाँ पे फिर सबका जमावड़ा होता है लोगों का, इसमें कोई दो राय नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने जैसे कि उनके बाद सारी जो व्यवस्था है वो गड़बड़ ना हो, सब कुछ व्यवस्थित रहे ना, इसीलिए जो पद है उनका तो उसके अनुरूप कि सभी देश के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं या दूसरी जो अन्य संस्थान है तो सभी लोग वहां पहुंचते, और इसी व्यवस्था को देखते हुए शायद उन्होंने ये निर्णय लिया होगा कि अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो परिवार के साथ ही या जो नजदीकी लोग हैं उनके आस पास के वो सब लोग वहां पे रहे, तो मैं समझता हूँ अच्छा कदम है। और साथ ही प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश भी दिया है कि भाई जो अंतिम क्रिया होती है ऐसे संस्कार के जो समय होता है वह व्यक्तिगत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये व्यक्तिगत दुख होता है और इस दुख को बांटने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो दुख है वो तो वही महसूस करते हैं जिनके परिवार में ऐसी आपदाएं आती है, ऐसी विपदा आती है, ऐसा दुख आता है। और साथ ही मैं एक प्रसंग और जोड़ूंगा साथ में इसमें, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है तो ऐसी एक वाक्य कई वर्ष पहले हुआ था, सचिन तेंदुलकर के सब जानते हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, दुनिया के बड़े प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, भारत विश्व कप खेल रहा था, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा था क्रिकेट का, तो उस समय उनके पिता का देहांत हो गया था और वह आए अंतिम क्रिया के बाद चार, और तुरंत वो अपने जो उनका खेल था उसके लिए वह लौट गए कि भारत विश्व कप में मैच खेल रहा था, बड़े महत्वपूर्ण मैच थे, तो सचिन तेंदुलकर ने वहां जाकर शतक भी किया उसके पश्चात, और उन्होंने पिता को वह श्रद्धांजलि स्वरूप वो शतक भी समर्पित किया। तो उसके पश्चात से अगर आप देखेंगे तो लगातार सचिन तेंदुलकर का जो वह वाक्या है और जो उनका जो उन्होंने देश के लिए अपने को समर्पित किया था उस समय इतने कठिन माहौल में जब पिता का देहांत हो जाता है, बड़ा कठिन दौर होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, तो वो आज तक सचिन तेंदुलकर की प्रशंसा इस मायने में की जाती है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था उस दुख से बाहर आकर, देश के लिए वे खेले, देश के लिए अपना उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी। तो ऐसे वाक्य जब भी आते हैं, संदर्भ जब भी आते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति हमेशा उनका अभिनंदन होता है और उनकी हमेशा प्रशंसा लगातार की जाती रही है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी आज उसी तरह का एक संकेत दिया है कि भाई जो कर्म है जो उनकी माता ने सिखाया था, उन्हें जो संदेश था, जो संस्कृति थी माता जी की, तो मैं मानता हूँ कि वास्तव में यह दुख तो व्यक्तिगत दुख है उनका, लेकिन हमारी सबकी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ उनके साथ हमेशा रहेंगे और सभी, और दुख की इस घड़ी में जैसे मैंने पहले कहा था, माँ
का स्थान कोई नहीं ले सकता। माँ माँ होती है और माँ के मैं मानता हूँ कि माँ है तो हमारा अस्तित्व होता है, नहीं तो उनके बिना हम भी कुछ नहीं होते हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ अपनी श्रद्धा सुमन पुनः उनकी माता जी के चरणों के लिए अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके मोक्ष और शांति प्रदान कर पूरे परिवार को इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति ओम। काम करो बुद्धि से और जियो शुद्धि से, ये जो संदेश है उनका, मुझे लगता है हम सब लोगों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सलीका आपका धन्यवाद करती हूँ, आप लोग यहाँ इस मंच पे आए और एक बार फिर से हीरा बा को मन से नमन, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।